नमस्कार दोस्तों। तो आपकी अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और वहाँ पे क्या-क्या आपको कपड़े कैसे पहने और क्या सामान लेके जाएं एक्स्ट्रा, जिससे आपको वहाँ ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। सो दोस्तों, बात करते हैं अमरनाथ गुफा की। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है, जो कि 13,800 फुट की ऊंचाई के ऊपर है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। मौसम कभी भी ख़तरनाक हो सकता है, यानी कि बारिश कभी भी पड़ सकती है। रास्ते थोड़े से ख़तरनाक हैं, तो इसलिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, रास्ते कच्चे हैं, इसलिए बारिश होने पे बहुत ज़्यादा फिसलन वड़ी कीचड़ हो जाती है, दलदल टाइप सा हो जाता है, तो उसके अंदर क्या फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसे में आपको जो जूते पहनने हैं, अच्छी ग्रिप वाले पहन रहे हैं, यानी कि ट्रैकिंग शूज़ पहन रहे हैं, ताकि आपको गिरने से चोट ना लगे। दूसरा है, अपनी अगर आपको एक बीमारी है, उसके अनुसार अपनी मेडिसिन जरूर साथ में रखें। डायबिटीज़ की हो तो आपको वो मेडिसिन ज़रूर रखनी है। तीसरा, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, तो अपने साथ एक बरसाती रेनकोट, रेन सूट या प्लास्टिक की शीट्स आप ज़रूर रखें, ताकि आप भीगे ना और बीमार ना हो, क्योंकि वहाँ बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। तीसरा, अपने साथ कुछ एडिशनल जोड़ी कपड़े भी रखिए, क्योंकि अगर आप पहलगाँव से जा रहे हैं तो आपका रास्ता 3 या 4 दिन का होने वाला है, तो उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और साथ में अगर आप कहीं भीग जाएं, आपके कपड़े भीग जाएं, तो बदलने लायक आपके पास कपड़े होने चाहिए। दोस्तों, जब आप चढ़ाई करने लगेंगे तो आपको वहीं पे लोकल्स वॉकिंग स्टिक बेचते मिल जाएंगे, जिसके नीचे कील लगी होती है, वो आपको कीचड़ और बर्फ़ में फिसलने से बचाती है। दोस्तों, जिन लोगों को ऊंचाई पे सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको अपने साथ कुछ कपूर की टिकिया रख लेनी चाहिए और उसको बार बार सूंघना चाहिए। इससे उनके सांस लेने का यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। बैकपैक में बिस्कुट और ड्राई फ्रूट जरूर रखें, और जेब में थोड़ी सी टॉफ़ी रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चलने से आपको थकान हो सकती है और शुगर लो भी हो सकती है, तो ऐसे में ये चीज़ें काम आती हैं, या फिर कहीं इमरजेंसी में आप इनको सेवन कर सकते हैं। ओम